नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जु मिश्रा। अलीगढ़ के मौगाखेड़ा थाना का इलाके के धनीपुर एयरपोर्ट के निकट उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट बस और ट्रक में भिड़त हो गई। भिड़त में लगभग 3 दर्जन लोगों के घायल होने की भी खबरें हमारे सामने आई है। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। प्राइवेट बस व ट्रक के बीच में भिड़त के दौरान 3 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पर दूसरी ओर कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों का इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी कुलदीप गुनावत की जानकारी के मुताबिक बस एटा की तरफ से आ रही थी और मिनी थी। बस में लगभग 4 दर्जन से यात्री सवार थे और इसी दौरान जैसे ही बस धनीपुर एयरपोर्ट निकट पहुंची तो ट्रक से भिड़त के दौरान बस के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान चीख पुकार की आवाज पूरे इलाके में सहम उठा और दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को अलग अलग जगह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर कुछ लोगों की मौत की खबरें भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन घायल को उपचार दिलाने में जुटा है। कहां जा रही थी तू? कहां से आई थी? इधर से एटा से आ रही थी, अलीगढ़ जा रही थी। आपके साथ कौन कौन था? मम्मी थी और दीदी थी। दीदी कहाँ है? अच्छा, वो अलग लेके गए। अच्छा, आपको हॉस्पिटल में ले आए। कहाँ जा रही थी तुम? मैं जा रही भैया वहाँ आड़ जा रही थी। और कहाँ से आ रही थी? पिलखने से आड़ जा रही थी। ये धनीपुर हवाई पट्टी के पास एक कासगंज से आती हुई प्राइवेट बस और अलीगढ़ की तरफ ये आ रही थी और एक ट्रक लोडेड ट्रक अलीगढ़ से कासगंज की तरफ जा रहा था तो इसी हाईवे पर इनके हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें जो बस में रहने वाले बस में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों को चोट लगी है और घायल हुए हैं। उनको अस्पताल यहाँ से मौके से ले जाया गया है। साथ ही साथ ट्रक के ड्राइवर को भी चोट लगना प्रकाश लाया है। सभी घायलों को यहाँ से घटनास्थल से अस्पताल भेज दिया गया है और यहाँ पे उनका उपचार जारी है। अभी अस्पताल में जाने के बाद उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।